और इस बीच मुकाबला चलता हुआ चिंचनी वर्सेस जयश और करण ये सलामी जोड़ी यहां पर चिंचनी की तरफ से राहुल पहला ओवर पहली ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट मारा राहुल इनका अच्छी गेंद यहां पर पहली ही गेंद ब्लॉक हॉल में गेंद डाली थी डॉट बॉल से शुरुआत होती हुई दोनों साइडों में तीन तीन ओवर का मुकाबला देखने मिलेगा 18 गेंदे दोनों साइडों में अगली गेंद राहुल की राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी पुल किया गया पुल पावरफुल न होने की वजह से वन बाउंस टू बाउंस सीमा रेखा पार चौका आता हुआ और एक सुमधुर संगीत आता हुआ के बल्ले से निकलता हुआ चौके से अपना और अपने टीम का खाता खोला चिंचनी का चार रनों से स्कोरबोर्ड हलता हुआ ओवर की अगली गेंद लेकर राहुल की नो बॉल का इशारा अंपायर जीतू भानुशाली फ्रंट का यहां पर नो बॉल का इशारा किया गया अंपायर फ्री हिट का मौका यहां पर जयेश के लिए राहुल फिर से एक बार तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट राउंड द विकेट मारा करेंगे जयेश के लिए फ्री हिट अच्छी गेंद बेहतरीन गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर आने के बाद शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र पर खुद बॉलर को भागना पड़ा बॉल कलेक्ट करने के लिए अच्छी गेंद एक ही रन मिला इस एक रनों की मदद से चिंचनी का स्कोर बढ़ता हुआ पांच रनों पर पहुंचता हुआ अपकरण छह रन ऑन बोर्ड लगते हुए चिंचनी के अपकरण बल्लेबाजी कमान संभालने के लिए स्ट्राइक रोटेट की गई जयेश इन्होंने ओवर की पहली गेंद और हाय 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 हैंडसम शॉट देखने मिला करण ऑन फायर और स्कोर में बढ़त स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर पहला ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ राहुल द्वारा राइट आर्म राउंड द विकेट मारा करण के लिए अच्छी गेंद इस बीच कमबैक किया गया गेंदबाज राहुल इन्होंने 12 पर रोका हुआ स्कोर ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार फ्लिक करके खेला गया शॉट को लंबा बाउंड्री की दिशा में खूबसूरत छक्का आता हुआ करण ऑन फायर होते हुए नजर आए स्कोर में बढ़त स्कोर चार रन के लिए स्कोर में बढ़त स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन ऑन बोर्ड लगते हुए चिंचनी टीम के एक ओवर 16 रन की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया चिंचनी का बेहतरीन शुरुआत दिलाई आगाज अच्छा होता अंजाम जरूर अच्छा होता देखने को मिला सूरज आए अपना स्पेल लेकर टीम की तरफ से दूसरा और अपनी तरफ से पहला ओवर लेकर सूरज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयेश के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चलता हुआ चिंचनी की तरफ से एक ओवर 16 रन ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार सूरज जयेश के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट सूरज का फुल टॉस गेंद बैल मुझे मार अच्छी गेंद का सम्मान करो और बुरी गेंद का अपमान करो और जयेश ने बुरी गेंद मिली और उसका अपमान किया गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में सबसे लंबा छक्का आज के दिन का जयेश के नाम डीजे थैंक यू
22 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से सूरज की फिर से एक बार पुल करना चाहते थे, कॉन्टेन बॉल का चांस और जयेश की खेली खलास। 22 के स्कोर पर पहली विकेट का पतन होता हुआ चिंचनी को पहला झटका लगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयेश का रूप में, विकेट गिरता हुआ और एक संगीत आता हुआ। पांच गेंदे खेली यहां पर जयेश, इन्होंने 11 रन की पारी खेली, एक सिक्स और एक चौका उनके इस पारी में सजाया गया। अब वन डाउन बैट्समैन मयूर तामोरे, बेहतरीन प्लेयर इस पालघर तालुके में चिंचन की ओर से हमेशा खेलते हुए, और इन्हें इस ग्राउंड का भी एक्सपीरियंस है। ओवर
एक आक्रमक पारी देखने मिली यहां पर वामन द्वारा। 13 गेंदे 48 रन नॉट आउट पारी और सबसे हाईएस्ट टोटल भी हुआ चिंचनी के नाम स्कोर में। 3 दिन के टूर्नामेंट में यह हाईएस्ट टोटल स्कोर 13 गेंदे 48 रनों की पारी देखने मिली, हाईलाइट पारी देखने मिली। जिनमें 7 छक्के शामिल थे, बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के देखने मिले वामन के बल्ले से। हाईएस्ट स्कोर हो गया यहां पर टूर्नामेंट का 73 रन और 74 रनों की जरूरत यहां पर शिवती टीम को। राहुल आपला एक फलंदाज इकडे पाठवायचा, नाव नाही माहित आहे मला। राहुल शेवते संघ अन्यथा 2 धावेची पेनल्टी दिली जाईल तुम्हाला। बोल भाई। राहुल एंड नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज मयूर पहला ओवर लेकर 74 रनों का लक्ष्य यहां पर और नो बॉल का इशारा। पहला ही गेंद मयूर इनका नो बॉल का और फ्री हिट यहां पर देखने मिलेगा। राहुल मयूर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मारा मयूर इनका, फ्री हिट था यहां पर और एक गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। फील्डर जब तक फील्ड करते 2 रन राहुल एंड पार्टनर ने उन्हें नानेश्वर इन्होंने 2 रन हो चुके स्कोर में। बढ़त स्कोर बढ़ता हुआ 3 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट, जैसे ही गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ स्वीट आवाज आई और गेंद गई डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में। छक्का आता हुआ राहुल के बल्ले से पहला छक्का देखने मिला। स्कोर में बढ़त स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। नौ रन ऑन बोर्ड लगते हुए शिवदी टीम का ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार मयूर तैयार राहुल के लिए। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मारा पार, बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ यहां पर दिखा दिया। ईट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से, बेहतरीन शॉट डिप मिड विकेट की क्षेत्र पर, खूबसूरत शॉट देखने मिला। बैक टू बैक दूसरा छक्का मयूरन के गेंद पर आता हुआ स्कोर में बढ़त स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन ऑन बोर्ड लगते हुए रावते टीम का, शेवते टीम का ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार क्या एक गेंद जाएगी 6 रन्स के लिए। फ्लाइटेड छक्का ऑन ड्राइव शॉट देखने मिला लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ के बीच में से छक्का आता हुआ राहुल इनके बल्ले से निकलता हुआ। ये हैट्रिक छक्का, लगातार 3 छक्के देखने मिले राहुल इनके बल्ले से। 21 पर पहुंचा स्कोर, अच्छी शुरुआत दिलाई है। 4 गेंदे हो चुकी है इस ओवर में ओवर की अगली गेंद लेकर थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉडी से दूर जाती हुई अंपायर जीतू भानुशाली ने वाइट करार दी। स्कोर में बढ़त होती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 22 पर पहुंचता हुआ स्कोर। फिर से एक बार अनदर नो बॉल का इशारा आता हुआ फ्रंट लाइन का और स्कोर
बढ़ता हुआ, एक रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचता हुआ, फ्री हिट फिर से एक बार मिलेंगे यहां पर राहुल जैसे बल्लेबाज को। और फिर से एक बार हवाई सफर, आसमानी टोला, गगनचुंबी षटकार और विक्रमगढ़ तालुके का सैराट डीप मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए 29 रन। पहला ही ओवर काफी महंगा ओवर, ओवर की समाप्ति, एक ओवर 29 रन, काफी महंगा ओवर साबित हुआ मयूर तामोरे का। काफी महंगा ओवर और इस ग्राउंड पर ये इस टूर्नामेंट में एमएस ट्रॉफी के अंदर सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ रिकॉर्ड यहां पर बनता हुआ मयूर तामोरे के नाम पर जाता हुआ, एक ओवर में 29 रन। और इस मैच में अभी तक के सबसे ज्यादा टूर्नामेंट के अंदर एमएस ट्रॉफी के अंदर 2019 में सबसे ज्यादा छक्के भी लगे, अब तक के 10 छक्के लग चुके, 13 छक्के लग चुके अब तक के इसी पहले इनिंग में। और ये जयेश दूसरा ओवर लेकर नैनेश्वर को, वाइड गेंद, वाइड गेन, स्कोर में बढ़त, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, अभी भी 44 रनों की जरूरत है, जीत का लक्ष्य 12 गेंदे और 44 रनों की जरूरत, कश्मकश मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक तरफ विक्रमगढ़ तालुका तो एक तरफ पालघर तालुका। ऐसा फिर से एक बार अच्छा शॉट डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में खेला गया शॉट को नैनेश्वर, इन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, चेंज की और आक्रामक बल्लेबाज को फिर से एक बार स्ट्राइक पिलाया, 31 रन ऑन बोर्ड लगते हुए। सम्माननीय आदरणीय संदीप जी परदेसी साहब से मैं विनंती करूंगा कि वो प्लीज यहां पर आए कमेंट्री बॉक्स में, आपका एमएस ट्रॉफी 2019 में हार्दिक स्वागत। फिर से एक बार लगातार ये राहुल इनके बल्ले से निकलता हुआ ये 5वां छक्का आता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, स्कोर में बढ़त, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन ऑन बोर्ड लगते हुए, अच्छी पार्टनरशिप। फिर से एक बार जयेश लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मारा, फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग अंपायर की, ऊपर से देखते रहेंगे फील्डर, फील्डर बने दर्शक, लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ, स्कोर में बढ़त, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन ऑन बोर्ड लगते हुए, 10 गेंदे 31 रनों की जरूरत, राहुल जैसा सैलाब सैराट यहां पर देखने मिल रहा है शगुन डेवलपर्स के मैदान पर, छक्कों की बरसात हो रही है यहां पर, 36 रनों पर खेल रहे दिनेश सुतार, 7 गेंदे और 36 रनों का खेल देखने को मिल रहा है राहुल के बल्ले से, तूफानी बल्लेबाजी देखने मिल रही है, छक्कों की बरसात हो रही है बरसात में इस एमएस ट्रॉफी 2019 में। और की अगली गेंद लेकर जयेश की, फिर से चेंज ऑफ पेस गेंद, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर, फील्डर बने दर्शक और लगातार तीसरा छक्का आता हुआ इस ओवर में भी, स्कोर बढ़ता हुआ 49, लगातार 30, दूसरी बार लगातार 3 छक्के मारने का कारनामा राहुल के बल्ले से, और क्लीन बोल्ड इनसाइड एज लगा और यहां पर राहुल की खेली खलास होती हुई, सैलाब रोकता हुआ, सैराट रोकता हुआ नजर आया, जयेश ने ब्रेक थ्रो दिलाया यहां पर और बड़ी पार्टनरशिप भी देखने मिली, 49 रनों की पार्टनरशिप। आठ गेंदे और 42 रनों की आक्रामक पारी, तूफानी पारी देखने मिली और टॉस होने जा रहा है आज कल के दिन का ये फाइनल मुकाबला देखने मिलेगा साई सावली बोट वर्सेस अंबान के बीच में, साई सावली
हेलो 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 साई सावली ने टॉस जीता। ओवर की अगली गेंद लेकर जयशिन की अंतिम गेंद लेकर 49 रन एक विकेट के नुकसान पर टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद जयेश द्वारा ओवर की समाप्ति एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 49 रन। अब 6 गेंदे और 25 रनों की दरकार जीत का लक्ष्य 73 के जवाब में काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली यहां पर राहुल की। 7 छक्के मारे उन्होंने 42 रनों के 8 गेंदों पर 42 रनों की तूफानी पारी आज देखने मिली शिवते की इस तरफ से। चिराग आए अंतिम ओवर लेकर स्लॉक ओवर हानामारी चा षटक जिसे कहा जाता है चिराग लेकर आए 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत। ज्ञानेश्वर स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर रोशन तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर चिराग लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी ऑफ साइड में खेला गया पॉइंट के सर के ऊपर से खेला गया फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो आता जब तक के दो रन आसानी से पूरी किए ज्ञानेश्वर इन्होंने स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 51 रन अर्धशतक लगता हुआ यहां पर रावते टीम का। अब 23 रनों की जरूरत 5 गेंदे और 23 रनों की दरकार जीत का लक्ष्य। राहुल अगर क्रीज पर रहते तो निश्चित ही रूप से कुछ भी हो सकता था क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है। 73 के जवाब में 51 रन हो चुके डेड बॉल का इशारा अंपायर जीतू भानुशाली एंड गुरु जाधव द्वारा देखने मिला। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी 23 रनों की जरूरत 5 गेंदे और 23 रनों की जरूरत बड़े बड़े शॉट मारने होंगे। 9 बॉल का इशारा आता हुआ 1+1 रन मिलेंगे देखेंगे। एक रन तो पूरा किया बल्लेबाज ने दूसरे रन के लिए भाग रहे चिराग खुद अपने फॉलो थ्रो के अंदर फील्ड के लिए भागे 3 रन आए टोटल 3 रन। अभी भी 20 रनों की जरूरत है 5 गेंदे और 20 रनों की दरकार शिवते 11 टीम को जीतने के लिए। पांच गेंदे और 20 रनों की दरकार ज्ञानेश्वर फिर से एक बार स्ट्राइक पर काफी अच्छा मुकाबला पैसा वसूल मैच देखने मिल रहा है शगुन डेवलपर्स के मैदान पर एमएस ट्रॉफी के अंदर। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में खेला गया शॉट को और गेंद जाएंगी 1 बाउंड सीमा रेखा पार चौका आता हुआ और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 58 रनों पर पहुंचा। अब जरूरत है सिर्फ 16 रनों की 4 गेंदे 16 रनों की दरकार ईट का जवाब पत्थर से गेंद का जवाब बल्ले से। तू शेर तो मैं सवा शेर इस तरह का सिचुएशन देखने मिल रहा है रावते शिवते टीम की तरफ से विक्रमगढ़ तालुके की ये टीम 4 गेंदे 16 रनों की दरकार चिंचनी को बैकफुट पर ढकल दिया है बल्लेबाजों ने खास करके राहुल जैसे बल्लेबाज जिन्होंने 8 गेंद और 7 छक्के मारे बेहतरीन गेंद टप्पा गिरने के बाद। तीन गेंदे और 16 रनों की जरूरत तीन छक्के मारने होंगे
फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, बाहरी किनारा लगा बल्ले का, गेंद गई स्क्वेयर लेग अंपायर की दिशा में, खुद जयेश इन्होंने फील्ड की और अब दो गेंदे और 15 रनों की दरकार, जीत का लक्ष्य। इसके बाद एक मुकाबला देखने मिलेगा मनोर पुलिस स्टेशन रेंज की दो टीमें जो दूसरे टॉप थ्री में पहुंचने के लिए संघर्ष करती नजर आएंगी। और अब अंतिम गेंद मैच चिंचनी के पक्ष में जाता हुआ, एक गेंद और 15 रनों की जरूरत। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र पर खेला गया है, एक ही कोई रन नहीं मिलेगा और ये मुकाबला चिंचनी ने 15 रनों से जीत लिया। वेल प्लेड शिवता टीम और